प्रहार, आपातकाल पर क्या क्या बोली राष्ट्रपति मुर्मू। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इमरजेंसी को भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार बताया। उन्होंने कहा, साल 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था तब देश में हाहाकार मचा हुआ था और उस दौरान लोकतंत्र में दरार डालने की कोशिश की गई थी। 27 जून 2024 को अभिभाषण के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने आगे दावा किया, हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के हर प्रयास की सभी को निंदा करनी चाहिए। विभाजनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने, देश के भीतर और बाहर से समाज में खाई पैदा करने की साजिश रच रही है। द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा, आज का समय भारत के लिए अनुकूल है और संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा है। नीतियों का विरोध करना और संसद की कार्यवाही बाधित करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। सभी सदस्यों के लिए जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। आपातकाल के दौरान पूरा देश अंधेरे में जैसे डूब सा गया था, लेकिन देश ऐसी असंवैधानिक शक्तियों को पराजित करने में सफल रहा। 18वीं लोकसभा को पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, उनकी सरकार देश के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने में समक्ष बनाने के लिए एक माहौल बना रही है, काम कर रही है। उन्होंने शिक्षा के मोर्चे पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, तो वहीं कुछ विपक्षी सदस्यों को नीट चिल्लाते हुए सुना गया। उन्होंने कहा, अगर किसी कारण से परीक्षाओं में बाधा आती है तो ये उचित नहीं है। सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में शुचिता पारदर्शिता बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा, पहले भी कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठने और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा, संसद में पेपर लीक के खिलाफ भी एक मजबूत कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भी काम कर रही है।